हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी कैंपस। दोस्तों, ये यूपी पीसीएस प्री का रिज़ल्ट आया है 2019 का, जो 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें अब इस बार आपको पता ही है कि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, वैकेंसीज भी कम थी और 13 गुना बच्चे पास किए गए हैं। टोटल 6320 बच्चे इसमें पास किए हैं कैंडिडेट्स को इन्होंने, और ये सब कुछ मिला के हैं 6320 भी जो है स्पेशल और वो वाली पोस्ट में ला के। तो इस बार प्री ही आप समझ गए होंगे कि बहुत ही जो है टफ कंपटीशन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो देखिए, आप ये 6वां पैराग्राफ पढ़िए कि अब जो एग्ज़ाम है, पहले क्या हुआ करता था कि प्री के रिजल्ट के 5-6 दिन के बाद प्री के मार्क्स कितने किसके आए हैं, कितनी कट ऑफ गई है, और जो आंसर की होती थी दोबारा से रिवाइज्ड आंसर की, वो सारी चीज़ें डाल दी जाती थी। लेकिन अभी इन्होंने बिल्कुल यूपीएससी वाला पैटर्न फॉलो किया है, जो आंसर की है या कितने मार्क्स मिले हैं, कट ऑफ कितनी है, ये सारा कुछ क्या होगा, फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा इंटरव्यू के बाद, जब ये सारे मार्क्स आप देख पाएंगे। तो अब इससे एक चीज़ तो ये देखो, आपके बहुत से जो लड़के हैं वो कह रहे हैं कि 93, 92, 94 तक पे उनका नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 88 पे जनरल का बता रहे हैं कि हुआ है। तो यहाँ पर बता रहे थे ना कि कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस ज़रूर हुए होंगे। अब वो रिवाइज्ड आंसर की पे किस किस क्वेश्चन में चेंजेस किए गए हैं, क्या है, ये सब कुछ अब फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चल पाया करेगा। पहले ऐसा भी होता था कि उसमें रिवाइज्ड आंसर की में भी कुछ क्वेश्चंस पर डाउट होता था, तो उसको लेकर स्टूडेंट्स कोर्ट भी चले जाते थे, और कई बार कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को भी पास किया गया उसकी वजह से। अब जो भी हो, खैर ये तो अभी कहा गया है कि सुधार जो भी है सारे यूपीएससी के हिसाब से चलना है। अब हम आगे क्या ध्यान रख सकते हैं कि एक तो प्री दोस्तों पहले जैसा नहीं रहा है, एक तो कैंडिडेट्स इतने कम पास किए जा रहे हैं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जिनका हुआ है वो अपना मेंस की तैयारी करें, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए 2020 का प्री है, जून में है, अच्छी वैकेंसी भी आने वाली है इस बार, जैसा कि कुछ लोगों से सुनने में आ रहा है। अब यहाँ पर आप क्योंकि ये सारी चीज़ों में यूपीएससी का ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पेपर भी देखा हो तो तुमने अच्छा ही था इस बार प्री का, तो मेरी यही एडवाइस रहेगी सब लोगों से कि यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से आप सब लोग तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इनका जो झुकाव है ज़्यादा उसी तरफ ही है। मेंस का अगर आप पेपर देखो पिछले साल का जो 2018 का हुआ था, उस मेंस का पेपर भी बहुत ही अच्छा था, ठीक है। कट ऑफ तो अब देखो वही है, अगर कोई बात करे तो 91, 92 वालों का हुआ है, 88 वालों का भी हुआ है, कुछ ऐसे 92 वाले हैं जिनका नहीं हुआ, तो 90 के आसपास ही कट ऑफ मुझे लगता है कि रही होगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप तैयारी करें तो इस कट ऑफ को भी ध्यान में रख के करें, पेपर का जो स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रख के करें, और मैं तो यही कहूँगा कि जो अच्छी किताबें हैं, एनसीईआरटीज हैं, बेसिक बुक्स सारी, वो ज़रूर पढ़ के जाएं, उनके बिना पेपर देना सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।